Hey, welcome back to Alliance IS Academy. I hope you guys are doing well and working hard sincerely at your home. And now this video is presenting by me, Govind Negi Shom. I'm the Faculty of Economics at Alliance IS Academy. This is my profile. You can watch out for more information. Okay. So अब तक हम कहाँ थे, राइट? कितना हमने कवर कर लिया है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, राइट? अभी हम देखें अगर अपने आप को, तो हमारी गाड़ी बहुत लंबे टाइम से पिलर नंबर 5 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, विच इज़ अंडर पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, राइट? सो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में है, जो कि 5th नंबर की पिलर है, अंडर द पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, जो सात सात पिलर्स हम कवर करने वाले हैं. फर्स्ट NCERT, फर्स्ट पिलर, ये मैंने आपको खुद को कंप्लीट करने के लिए कहा है. सेकेंड पिलर हम कंप्लीट कर चुके हैं. थर्ड पिलर, फोर्थ पिलर हम कंप्लीट कर चुके हैं. इसके बीच में बजट हम कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमिक सर्वे हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? और जो बजट है वो तो हम सेक्टर वाइज, जैसा एक सेक्टर ख़त्म होता है उसके एंड ऑफ दी लेक्चर मैं एक बजट का बना देता हूँ कि इस सेक्टर के लिए बजट क्या बताया गया है, राइट? सो आप उस हिसाब से आई एम श्योर कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है बजट में क्या क्या नई बातें, नए प्रावधान वो लेके आए हैं. सो बहुत लंबे टाइम से हमारी गाड़ी अटकी है पिलर नंबर 5, विच इज़ अ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, राइट? थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रीवियसली हमने क्या देखा है, राइट? सो इस सबसे पहले हमने देखा कि कैलकुलेशन और जीडीपी, इवन जीडीपी के बारे में हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया था. और जीडीपी के अंदर भी एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर एंड सर्विस सेक्टर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी. यहाँ से आगे देखे तो लास्ट टाइम जब हम मिले थे, राइट, हम और सारे मेरे स्टूडेंट जो हम लास्ट टाइम मिले थे, ऑफलाइन क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट? वो ऑफलाइन क्लासेस की लास्ट क्लासेस के अंदर हम यही डिस्कस कर रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, ठीक है, राइट? वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं. और कुछ क्लीशे पॉइंट्स, यहाँ पर हमने कोई क्लीशे पॉइंट पूरे कवर किए नहीं थे, लाइक किसान मर रहे हैं, सूखा ज़्यादा पड़ रहा है, राइट? ये सारे क्लीशे पॉइंट तो सबको पता है, बट इससे बढ़कर हमारे को कुछ पता होना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए, राइट? तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ. सबसे पहले हमने बात करी थी लैंड कंसोलिडेशन की और साथ में मैकेनाइजेशन के बारे में, राइट? सो इससे पहले हम जो बात कर रहे थे वो बात ये कर रहे थे कि सारे जो फसाद की जड़ है ये मनरेगा सारे फसाद की जड़ है, राइट? सो यहाँ पर मनरेगा आने की वजह से होता क्या है, राइट? आप मनरेगा आने की वजह से देखो, यहाँ पर जो जो भी वर्कर्स है, बिकॉज मनरेगा भी तो बहुत हैवी वर्क मैन फोर्स डिमांड करता है, राइट? सो जितने भी वहाँ पर लोग हैं उन सभी को वो अलाउंस प्रोवाइड करेगा. तो लोगों को तो अगर घर के सामने ही नौकरी मिल रही है तो लोग नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाते हैं, राइट? बहुत इजी सा फैक्टर इसके पीछे काम करता है. सो मनरेगा के अंदर बहुत हैवी मैन वर्क फोर्स काम कर रहा है वहाँ पर, ठीक है? और मनरेगा की अगर आप आउटपुट भी देखोगे तो वहाँ पर आउटपुट बिल्कुल लेस दिखाई देती है, कोई भी आउटपुट है नहीं. सो मनरेगा की वजह से होगा होगा क्या? सो इस वाले पार्ट में जो पहले यहाँ पर बंगाल, बिहार यहाँ पर काम करते थे, वो लोग इधर पर आते थे, पंजाब हरियाणा जैसे एरिया पे आते थे, जो एग्रीकल्चर बहुत डेवलप एरिया है, राइट? अब बिकॉज ऑफ मनरेगा वहाँ पर जो लैंड लेबर्स है वो कम यहाँ पर पहुँच रही है. इसकी वजह से हुआ क्या? शॉर्टेज और फार्म लेबर्स यहाँ पर फेस करनी पड़ती है ऐसे एग्रीकल्चरली डेवलप स्टेट्स को, राइट? इसके वजह से वो जो जो फार्मर है उसका उसका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, राइट? जब उसका इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो वहाँ पर ये सोचता है कि हाँ ठीक है, बाहर जाके जब मार्केट के अंदर में इसे बेचूंगा तो वहाँ पर मेरे को कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, राइट? सो यहाँ तक तो ठीक है. इसके बाद गवर्नमेंट भी इनकी मुसीबत को देख के यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर देती है, राइट? बट इधर से आगे निकल के बात देखे तो हमने देखा था कि लैक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, वहाँ पर फूड ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास स्टोरेज का तो इतना था ही नहीं, और रोटन ग्रेन्स के वो सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पर बन के बाहर आए थे. फिर हमने देखा था कि उसका मिस मैनेजमेंट की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आने लगी. थर्ड यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम निकल के आ रही थी
आप यहाँ पर देखो कि किसान, ये किसान का जब आउटपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर लेबर्स अच्छे से नहीं मिल रहे, तो जितने भी लेबर्स मिल रहे हैं लोकल लेबर्स को वो वहाँ पर यूज़ करेगा, तो हमेशा लोकल लेबर्स का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर कि बाहर से आए हुए लेबर्स, राइट। सो अगर उसका इनपुट कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो ये सोच के जाएगा कि मार्केट के अंदर जब मैं अपना सामान बेचूंगा तो वहाँ पर जो मैं थोड़ा महंगे में अपना सामान बेचूंगा, क्योंकि मेरा इनपुट कॉस्ट वहाँ पर ज़्यादा लगा है। देख लो, पहले जो नेपाल बिहार यहाँ से लोग आते थे, बंगाल से जो जो भी वर्कर्स आते थे, उन वर्कर्स को ये कम कम पैसों में काम करवा देते थे और वो कर भी लेते थे, राइट। इस वजह से 100 रुपये में 10 किलोग्राम अगर वो उगा पाते थे, आज के टाइम पे 500 रुपये में 10 किलोग्राम उग रहा है, तो वो 10 किलोग्राम को इतने में बेचना पड़ेगा ताकि उनका ये जो 400 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था, उस एक्स्ट्रा खर्चे को भी वो यहाँ पर बजट के अंदर ला पाए। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के अंदर इसको बेचने के लिए जाता है, ठीक है, एपीएमसी मंडीज में ये बेचने के लिए जाता है, वहाँ पर कार्टल फॉर्मेशन करके लोग बेचे हैं, तो रिटेल के अंदर भी कार्टल फॉर्मेशन की वजह से किसान को वो भाव नहीं मिल पाता है जो जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। इस वजह से वो लोग मूव कर जाते हैं, जैसे पेरिशेबल गुड्स वो कभी उड़ाते नहीं है तो ग्रेन्स के ऊपर, क्योंकि ग्रेन्स के ऊपर तो उनको मिनिमम स्पोर्ट प्राइस भी मिलता है। ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर ली थी। यहाँ पर जो आउटपुट निकला था वो निकला था फुल मैनेजमेंट ऑफ फूड इकोनॉमी, यहाँ पर हमने को देखने के लिए मिली थी, राइट। सो फूड इकोनॉमी के अंदर पूरा का पूरे तरीके से मिस मैनेजमेंट था, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बना फूड इन्फ्लेशन का इंडिया के अंदर, राइट। फूड इन्फ्लेशन किस वजह से होता है? फूड मिसमैनेजमेंट की वजह से, राइट। तो ये सारी बातें हमने पिछले क्लास, जब हम लास्ट टाइम अपने ऑफलाइन क्लासेस में बैठे थे, वहाँ पर पीपीटी में हमने ये क्लासेस देख ली थी। नेक्स्ट, यहाँ पर भी हमने बात करी थी, अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर यील्ड को इंक्रीज़ करें, तो ऊपर अगर हमको एग्रीकल्चर यील्ड को इंक्रीज़ करना है, तो कुछ 6 पॉइंट हमने बात करी थी कि उस 6 पॉइंट को लागू करना ज़रूरी है। तो फाइनली कौन सी दवा कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं कि अपने साथ ये सारी सारी की प्रॉब्लम खत्म हो जाए? सबसे पहले कि फूड इन्फ्लेशन को तो अपने को बढ़ाना ही है, फूड फूड इन्फ्लेशन को ख़त्म करना है। इसका इसका क्या मतलब है? फूड इन्फ्लेशन कब खत्म हुआ? जब फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में हो पाएगा, ठीक है। सो बिकॉज़ कि हमारे को फूड इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने की ज़रूरत है, सो क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि कैसे ये फूड प्रोडक्शन को एकदम से इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर बहुत सिंपल सिक्स फैक्टर मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहला आप यहाँ पर देखोगे एक्सटेंशन वर्कर। ये भी हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर ली है, जब लास्ट क्लास मीन जब हम ऑफलाइन मिले थे, राइट। ओके, इसके अंदर जो 6 पॉइंट है उसमें सबसे पहले है एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, यहाँ पर एक्सटेंशन सर्विसेज थोड़ी सी बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप ही देख लो, 8 से लेकर 1000 किसानों के अंदर अगर एक ही एक्सटेंशन वर्कर होगा, तो वो किस किस को कवर करेगा? इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग बना सकते हो कि वो वैसे ही टेक्निकली इसको कवर नहीं कर पाएगा। जितने भी एडवांसमेंट आते हैं, एडवांस फर्टिलाइजर्स आते हैं, एडवांस सीड्स आते हैं, वो उन तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, उसका डाउट होता है। और शहर जो अपने गांव के जो अमीर किसान होते हैं, वो उन लोगों को पैसा खिला के, ब्राइब खिला के उसको अपने तरफ कर देंगे और सारी फैसिलिटीज खुद ले लेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे को यहाँ पर फर्स्ट वाले केस पे देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है सीड। तो सीड के अंदर हम बात कर रहे थे कि हमको क्वालिटी सीड्स की ज़रूरत है, वहाँ पर बीटी क्रॉप्स हमारे को उगाने चाहिए, और यहाँ पर जीएम नॉट प्रूफ, ठीक है। सो जीएम मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स है वो सेहत के लिए ख़राब है, मतलब हेल्थ के लिए ख़राब है, ये जो एलिगेशन लग रहे थे इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पर हमने बात करी थी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स भी हमारे को थोड़ा ज़रूरत है, राइट। इसका भी यूज़ हमारे को करना चाहिए। ये तो थी सेकेंड सीड्स के अंदर बात करी हमने। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र के अंदर भी बात करी थी कि ये फर्टिलाइज़र का एक्स्ट्रा यूज़ क्यों हो रहा है, ये इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा यूज़, ये यूरिया का एक्स्ट्रा यूज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जब स्टडी करके देखी तो नाइट्रोजन यहाँ पर जो भी आइडियल फॉर्म में नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सारी चीज़ें होने चाहिए आइडियल रेट से बहुत ज़्यादा हमारे वहाँ पर लैंड के अंदर देखने के लिए मिले। दूसरा यहाँ पर न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडीज़ के बारे में, इसको हटा के हमने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बात करी, वो सारी हमने इस सेट पे बात करी थी, ठीक है। तीसरा
मेरा परीक्षक जो वहाँ पर मशीन बनाई थी आईआईटी वालों ने, सो उसका कैसे यूज़ करना है, उसका यूज़ क्या एग्जैक्टली हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने फर्टिलाइज़र के अंदर देखी थी। फोर्थ है आपके पास ये मैकेनाइजेशन, सो मैकेनाइजेशन के अंदर एग्रीकल्चर यील्ड को कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी बातें हमने मैकेनाइजेशन के अंदर करी। सो एग्रीकल्चर यील्ड के अंदर भी हमने बात करी थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ पर एक तो एग्रीकल्चर यूथ बढ़ेगी मैकेनाइजेशन की वजह से, और दूसरा रूरल एम्प्लॉयमेंट भी थोड़ी सी बढ़ेगी। एग्रीकल्चर यील्ड कैसे बढ़ेगी, ये कैसे हमने बात करी थी। सो मैकेनाइजेशन होने की वजह से होगा क्या, मशीनरी आएगी तो इससे फूड फूड प्रोडक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगी, बिकॉज टेक्निकलिटी हमेशा फूड प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। दूसरा, इससे स्पीड काम जो ज़्यादा स्पीड में हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कवर किया जाएगा तो फूड प्रोडक्शन अपना बढ़ेगा। सो देखो, मशीनरी अब यूज़ हो रही है तो मशीनरी का रिपेयर है, उसके लिए ऑयलिंग करना, सर्विसिंग प्रोवाइड करना, ये सारे, तो इसका मतलब वो जो मैकेनिक इंजीनियरिंग करके या फिर आईटीआई मैकेनिक कर करके गांव में जो लोग होंगे, सो उन लोगों को भी वहाँ पर डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमने बात करी थी इरिगेशन। इरिगेशन के अंदर हमने बात करी थी कि जितने भी पॉइंट हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर से इरिगेशन को लेकर हम आए हैं, उसको फुलफिल करने की हमारे को यहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत है। सिक्स्थ हमने बात करी थी कि लोन्स के अंदर, ये तो शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन किसान लोन तो लेता है बट उसका आउटपुट हमारे को बाहर नहीं दिख रहा है। लॉन्ग टर्म लोन हम डिक्रीज हो रही है बट शॉर्ट टर्म लोन इंक्रीज़ हो रहा है। इसी के साथ बजट 2020 के अंदर एग्रीकल्चर को लेके कौन कौन से रिफॉर्म्स लिए गए, वो सारे के सारे पॉइंट हम देख चुके हैं। सेकेंडली, आपको आपको ये याद रखना है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर कौन कौन से एंगल बन रहे थे, वो सारे एंगल भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं, राइट। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है, एफसीआई और पीडीएस, मतलब एफसीआई मीन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके ऊपर कौन कौन से रिफॉर्म्स लिए गए, उसके लिए आपने देखना है शांता कुमार रिपोर्ट्स। मैंने उस क्लास में भी आपको बताया था कि शांता कुमार रिपोर्ट से अच्छा स्टडी मटेरियल अभी तक आप लोगों के लिए एफसीआई और पीडीएस के रिफॉर्म्स के अंदर आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट स्पेशली। आगे अगर अगर हम बात करें प्राइवेट प्रोक्योरमेंट के बारे में, सो हमने यहाँ पर सारे एंगल देख लिए थे कि प्राइवेट प्रोक्योरमेंट के अंदर कौन कौन सी बातें करी गई है, राइट। वैसे ही हमने बात किया गया था कि फूड का एवोल्यूशन कैसे किया जा सकता है, फूड प्रोसेसिंग कैसे किया जा सकता है, वो सारी बातें हमने इसके अंदर देख ली थी, राइट। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ये एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ाने के लिए है। ये तो ऊपर साइड की अपने एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ा दिया, अब ये नीचे साइड की, ये एग्रीकल्चर यील्ड बनने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपके मार्केट में आया है, उस मार्केट को कैसे फ्लुएंटली आप सर्कुलेशन के अंदर लाओगे, राइट। वो सारा सारे के अंदर पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर हमने देखा शांता कुमार रिपोर्ट, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट के अंदर एपीएमसी रिफॉर्म्स, और फूड प्रोसेसिंग के अंदर मान लो कि आपके पास कॉर्न्स आपने उगाए हैं, सो कॉर्न्स को कैसे आप लोग पॉपकॉर्न्स बना के बाहर आगे पैकेट के अंदर फिल करके भेजोगे। वैसे ही आपने टोमेटो की खेती करवाई है, टोमेटो की खेती करवाने के बाद कैसे आप उसका सॉस बना के मार्केट के अंदर, मीन्स आप क्या कर रहे हो, फूड साइकिल का लाइफ थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, राइट, या फिर फूड की वैल्यू बढ़ा रहे हो, फूड प्रोसेसिंग आप लोग कर रहे हो, राइट। तो इन सारी चीज़ों को कैसे करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात कर ली थी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में बात कर ली थी, सिंस हमने बात कर ली थी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर रिजर्व सेक्टर होते हैं, ठीक है, तीन अपने अपने पास जो रिजर्व सेक्टर होते हैं, वो उसके अंदर सिर्फ पीएसयूज ही काम कर सकती है, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग के लिए वो रिजर्व होते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कुछ ऐसे इंडस्ट्री प्रोडक्शन होते हैं जहाँ पर आप प्रोडक्शन तो कर सकते हो बट आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, वहाँ पर पांच ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पर आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। सेम वे हमने कुछ पॉइंट्स आईटी पॉलिसीज़ के भी देख लिए थे, राइट। ऐसे करते हुए हमने इंडस्ट्री कंप्लीट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर दिया, आईटी कंप्लीट कर दिया, और टेलीकॉम तो हम आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे, और वैसे ही एफडीआई पॉलिसीज़ तो ये हमने पिछले क्लासेस में कंप्लीट कर दिया है, राइट।
वैसे ही हम अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। सो एमएसएमई सेक्टर इंडस्ट्रियल कंप्लीट करने के बाद जब हम एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने बात किया था कि विलेज इंडस्ट्री क्या होती है, कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, एमएसएमई पॉलिसीज क्या होती है, और ये एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये क्या चीज़ होती है, राइट। तो कॉटेज इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, विलेज इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, एमएसएमई पॉलिसीज, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, वो सारे पॉलिसीज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद हमने स्टडी किया था कि बजट 2020 के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स लिए गए। जैसे एग्रीकल्चर का टोटल बजट इस बार 15 लाख करोड़ था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कितना बजट था, 15 लाख करोड़ था, ठीक है। नेक्स्ट, इसका इसका पैसा किधर पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा, सबसे पहले लोन क्रेडिट के लिए पैसा देने की बात करी गई बजट के अंदर। दूसरा, पीएम किसान योजना के अंदर सभी किसानों को 6,000 रुपये मिलेंगे, बट 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर मिलेंगे। 3 इंस्टॉलमेंट, 2-2 हज़ार के जो इंस्टॉलमेंट मिलेंगे, वो 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट आपको साल के अंदर मिलेंगे, और 6,000 आपको 2-2 हज़ार रुपये के इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जिसको ये इंस्टॉलमेंट मिल रहा है उसको केसीसी का फ़ायदा भी मिलेगा, किसान क्रेडिट कार्ड, राइट। तो ये सारे रिफॉर्म्स लिए गए बजट 2020 के अंदर, इनके बारे में बात किया। तो ये सारे एक बार और आप लोग फुल डिटेल में देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर आगे ये सर्वे सर्वे प्रॉब्लम्स तो हम लोगों ने देख लिए सारे के सारे, ठीक है। इसके अलावा और पॉइंट्स हमने देखे थे इसके अंदर, कॉरपोरेशन देख लिया। कॉरपोरेशन के अंदर हमने देखा था कि कैसे कंपनी के टाइप बनते हैं, और 1956 को रिप्लेस कर दिया कंपनी एक्ट 2013 के बाद। अच्छा, यहाँ पर आपने ये याद रखना है, इसके एक साल बाद कंपनीज बिल 2014 भी पास हुआ था, जिसके अंदर कुछ रेजोल्यूशन और हुए, ठीक है। सो कंपनी एक्ट 2013 को लेकर देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन कंपनीज होती है, प्राइवेट पर्सन कंपनी होते हैं, जहाँ पर 2 से लेकर 200 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है, वह जहाँ पर 7 से लेकर अनलिमिटेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं। बट अब पब्लिक लिमिटेड को दो अलग पार्ट में और क्लासिफाइड किया जा सकता है, जिसके अंदर सब फर्स्ट लिस्टेड कंपनीज होती है और दूसरी अनलिस्टेड कंपनीज होती है, राइट। कॉरपोरेट के अंदर हमने फैक्ट्री लेबर्स रिफॉर्म्स भी देख लिया, और कंपनी एक्ट पूरा का पूरा हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट था क्या, इसे मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ये क्या सक्सेस हुआ है, पास्ट हुआ है, फेल हुआ है, वो सारे के सारे पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर देखने हैं, ठीक है। कि इसका 2020 के अंदर स्टेटस क्या है, मेक इन इंडिया का 2020 के अंदर स्टेटस क्या है, क्या हम इसे फेल्ड माने, क्या हम इसे एवरेज माने, या फिर हम इसे सक्सेस माने, पास माने, ये सारी चीज़ें हम कंपेयर करेंगे आगे। फर्स्टली ये स्किल इंडिया, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्किल इंडिया के बारे में जो हम बात कर रहे थे ये है क्या, मेक इन इंडिया से पहले हम स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया दो थे, इसमें हम स्किल इंडिया पहले देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज आता है, स्किल इंडिया, तो ये स्किल इंडिया मीन्स वाई वाई स्किल, ठीक है। ये स्किल को बूस्ट करने की ज़रूरत क्यों है, मतलब हम स्किल को क्यों बूस्ट करने में इतना फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर मैं इसको जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारे के सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले ये देख लो, एक तरफ मैं लेके चल रहा हूँ जीडीपी कंट्रीब्यूशन, और दूसरे तरफ मैं एम्प्लॉय, राइट। अब ये किस तरीके से होगा, एक तरफ जो चार्ट चलेगा वहाँ पर जीडीपी में ये कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और उस कंट्रीब्यूशन को देने के लिए यहाँ पर कितने एम्प्लॉयज मैन फोर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, ये दोनों आप लोगों ने कंपैरिजन करना है। सबसे पहले जीडीपी कंट्रीब्यूशन के अंदर मैं ले रहा हूँ सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% यहाँ पर सर्विस सेक्टर परफॉर्म करता है, राइट। अगर यहाँ पर मेन फोर्स के बारे में बात करें तो पब्लिक सेक्टर के अंदर जस्ट पूरे देश की 27 जनसंख्या यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है, सर्विस सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखूँ तो ऑलमोस्ट 31% के आसपास जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बट इसको आगे देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर मैन फोर्स कितना यूज़ होता है, तो वो 24% यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो 31.7% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन के लिए 24% ऑलमोस्ट, नीचे देख लो कि एग्रीकल्चर जितने सर्विस सेक्टर में है ऑलमोस्ट उसी के बराबर के मैनफोर्स भी वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं,
बट अगर आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखोगे तो आपको एक तो एकदम ड्रास्टिक चेंज वहाँ पर दिखाई देगा। इससे भी बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिलता है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट 18% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन दिखता है एग्रीकल्चर सेक्टर का। बट यहाँ पर अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर मैन पावर्स को देखो तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% मैन फोर्स काम कर रही है। सो 50% मैन फोर्स काम करके सिर्फ 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो इंडिया बहुत मिसमैनेज तरीके से आगे बढ़ रहा है, राइट? सो इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? सो ये परसेंटेज देख लो, इस परसेंटेज को किसी भी तरीके से हमको मैनेज करना चाहिए। 49% को या तो 24 वाले परसेंट में ऐड कर दो या तो 27% में ऐड कर दो। बोलने का मतलब क्या है, ऐसे मैन फोर्स जो एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उनको उठा के या तो 20 मैन्युफैक्चर में डाल दो या फिर सर्विस सेक्टर में डाल दो कहीं ना कहीं, ताकि वो आउटपुट वहाँ पर दें, ठीक है? अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल कंट्रीब्यूशन या टोटल कंट्रीब्यूशन 18 to 19% का है, बट वो जितने मैन फोर्स है वो ऑलमोस्ट 49% है। सो हमको करना क्या है, इसमें से लगभग 50%, मतलब 49 में से भी एग्जैक्टली 50% जितने भी वर्कर होंगे, मैन फोर्स होंगे, उसको उठा के आपने या तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डाल देना है या तो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में डाल देना है। तब जाके हमारे को कोई पॉजिटिव दिखाई देगा या फिर डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर कम होते हुए दिखाई देगा, ठीक है? सो डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट, ये डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, राइट? जी मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ डिस्काउंट एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। सो इसी के लिए तीन मेजरमेंट भी बताए हैं। फर्स्ट है डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर कम करना, राइट? सो इस वजह से डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट कम कैसे होगी इसको मैं समझाता हूँ। और ये सबसे पहले डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट होता क्या है इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। मान लो मेरे पास एक यार्ड ज़मीन है, राइट? अब इस या एक यार्ड ज़मीन के अंदर मैंने चार वर्कर्स लगाए हैं जो इसके प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। अब ये चार वर्कर जो साल भर काम करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन होता है 400 किलोग्राम व्हीट। सो चार वर्कर्स एक यार्ड के अंदर जब मेहनत से काम करते हैं तो 400 किलोग्राम व्हीट उगा देते हैं एंड ऑफ द ईयर, राइट? अगर मैं वहाँ वहाँ पर, ठीक है, कितने आदमी थे सांभा, राइट, ऐसा डायलॉग मार के तीन को अगर शूट आउट कर देता हूँ और तीन को वहाँ से आउट कर देता हूँ किसी और सेक्टर में डाल देता हूँ, तो सोच के बताओ कि वहाँ पर कितने कितने वर्कर्स रह गए। वहाँ पर सिर्फ एक मैन फोर्स बचा है, राइट? अब अगर ये मैन फोर्स पूरे साल भर काम करता है और उसी एक यार्ड के अंदर लगभग 400 किलो वीट फिर से उगा देता है, राइट? तो आप सोच के बताओ कि चार मैन फोर्स लगने के बाद एक यार्ड के अंदर 400 किलो वीट उगाया गया, तो एक मैन फोर्स के साथ भी एक यार्ड के अंदर 400 वीट उगाया गया। तो आप सोचो कि वो तीन जो मैन फोर्स पहले हमने वहाँ पर लगा के रखा था वो कर क्या रहे थे, राइट? सो ऐसे वर्कर जिनके वजह से, ठीक है, प्रोडक्शन अफेक्टेड नहीं होता है, राइट, उसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन के अंदर कुछ भी नहीं होता है, राइट? सो ऐसे वर्कर को बोलते हैं डिसगाइड एम्प्लॉयज, राइट? आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिसगाइड एम्प्लॉयज होते क्या है, ठीक है? सो मूवमेंट ऑफ सच एम्प्लॉयज आर सच ए इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया, राइट? सो इस तरीके की एम्प्लॉयज़ का मूव होना टूवर्ड सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चर सेक्टर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, और इनके जीडीपी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। सो एक एक रास्ता तो हमने ये देख लिया कि हमारे को जितने भी डिसगाइडेड एम्प्लॉयमेंट है इसको हमारे को सेटल करना पड़ेगा, राइट? यही एक रास्ता है कि हम अपने देश के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड को इंक्रीज कर पाए। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या हो गया, तो यही चीज़ कि जीडीपी के अंदर जितना ज़्यादा लोग है उतना ही कम प्रोडक्शन है, और जितना कम मैन फोर्स है उतना ज़्यादा प्रोडक्शन है सर्विस सेक्टर के अंदर, राइट? सो इसको आपने मैनेज बनाना है, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने इसको मैनेज करने हैं, ठीक है? तो इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। सो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, तो अब तक ऐसा किया क्यों नहीं गया? अगर ये प्रॉब्लम्स ऐसे ही फाइंड आउट हो गई है तो अब तक ये चीज़ इतने आसानी से कर क्यों नहीं रहे? बिकॉज ये बहुत आसान चीज़ लग रही है कि वहाँ से उठा के उनको समझाओ और वहाँ पर पहुँचा दो। नहीं, ये इतना भी आसान नहीं है। आप देखो,
यहाँ पर ये जो दो सेक्टर्स के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है, मेक इन इंडिया, सॉरी, ये जो दो सेक्टर के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, ये दोनों सेक्टर नीड करते हैं स्किल वर्कर्स का, राइट। इनके अंदर, इन दोनों सेक्टर्स के अंदर अगर आपको एंटर करना है तो किसी भी प्रकार का आप लोगों के अंदर स्किल होना ज़रूरी है, राइट। या तो आप लोगों ने, आप लोग कोई भी टेक्निकली टेक्निकल चीज़ जानते हो, राइट, या आपने MBA कर रखी है सर्विस सेक्टर के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए भी आप लोगों ने अगर कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है, राइट। सो दैट मीन्स कि क्लियरली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वहाँ पर स्किल प्रोग्राम्स होने चाहिए, स्किल वर्कर्स वहाँ पर होने चाहिए, राइट। उस वजह से हो गया क्या, जो तो अपने पास, तो अभी अगर आप ऐसा चाहोगे कि एग्रीकल्चर से सारे वर्कर को इंडस्ट्री में शिफ्ट कर लो, तो आप कहाँ पर उनको फिट कर पाओगे, क्योंकि उनके पास तो किसी भी प्रकार का स्किल है ही नहीं, राइट। सो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट हो जाता है, यू हैव टू डिसगाइज इज पर्सनैलिटी, यू हैव डिसगाइज इज पर्सनैलिटी, जिनको किसी भी प्रकार का स्किल प्रोवाइड करना ज़रूरी है। पहले तो पहले अगर हम उनको डिसगाइडेड वर्कर्स को हम ये स्किल प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद जाके हम इनको आगे मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस सेक्टर के अंदर पुट ऑन कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर हम बाहर से बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया के अंदर बुलाने वाले हैं। अब एक तो हो गया कि ठीक है, हम लोगों को ये डिसगाइडेड एम्प्लॉयज़ का रेशो कम करना चाहते हैं, बट इसी के साथ मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए आपको फॉरेन कंपनीज़ को एज ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर लाना पड़ेगा। अगर कंपनीज इंडिया के अंदर आ रही है, तो आप यहाँ पर मान के चलो कि वो मैनफोर्स का डिमांड करेगी। अगर अगर वो मैनफोर्स का डिमांड करेगी, तो जनरली हम एग्रीकल्चर से उठा के लोग वहाँ पर पुट आउट नहीं कर सकते, बिकॉज ये सारे सेक्टर हमेशा स्किल वर्कर को डिमांड करते हैं, राइट। तो उनको स्किल प्रोवाइड करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से डेमोग्राफिक डिविडेंड हम यहाँ पर इंक्रीज कर पाए, राइट। आई एम श्योर कि यहाँ तक आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर अब क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई स्किलिंग इज नीडेड, तो सबसे पहले तो आपने ये बात बता देनी है कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, डिसगाइडेड इम्प्लॉयज़, आपको डिसगाइडेड इम्प्लॉयज़ को कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा डिसगाइडेड एम्प्लॉयमेंट को कम करने की ज़रूरत है। इसके वजह से होगा क्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड आप लोगों का बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। इसके अलावा आपको आप लैंड कंसोलिडेशन भी कर सकते हैं। लैंड कंसोलिडेशन का मतलब, आप अगर छोटे छोटे किसानों को स्किल प्रोवाइड करके कहीं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर कहीं शहरों पे लेके आ जाओगे, उसके वजह से हो गया क्या, वहाँ पर जो छोटे छोटे लैंड है, वो किसान शहर में आने से पहले वो छोटे छोटे लैंड किसी बड़े फार्मर्स को बेच देंगे, राइट। जब बड़े फार्मर्स के पास बहुत बड़ा बड़ा लैंड आएगा, अब वो उसके पास जो फार्म होगा बहुत बड़ा फार्म होगा, एज़ कम्पेयर टू बिगर फार्म उसके पास होगा, जिसके वजह से मैकेनाइजेशन करना उसके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे हमने पिछले पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स निकालती है कि सब्सिडी में आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर आपका इतना लैंड है तो आप ट्रैक्टर कर लो, सब्सिडी प्रोवाइड करूंगा, लोन ले लो, सब्सिडी प्रोवाइड करूंगा, राइट। इस तरीके के बेनिफिट अब वो उठा पाएगा, जिस वजह से फाइनली मैकेनाइजेशन भी हो जाएगा, फार्म भी बड़े होंगे, और फाइनली एग्रीकल्चर का आउटपुट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो ये सारी अच्छी अच्छी बातें वहाँ पर होगी। यहाँ पर एक और पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है, वो है कि बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने 2016, 17, 18 के टाइम पे ये बोला था कि 2020 से लेकर 2024 आते आते ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हम उनको बोलते हैं जो बहुत डेवलप हो चुके हैं, लाइक यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, राइट। इस तरीके के कंट्रीज़ को हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ बोलते हैं। अच्छा, इनका शॉर्टेज क्यों होगा, अगर आपसे किसी ने पूछा, तो बहुत सिंपल है। अगर कोई पर्सन पहले बार जॉब में लगता है, तो 60 साल के बाद उनकी जॉब ख़त्म होने के लिए है। तो ये सर्वे के अनुसार ये चीज़ पता चला है कि 2020 से लेकर 2024 के अंदर लगभग वहाँ पर 60 से 70% जो वर्कर्स होंगे वो रिटायरमेंट ले लेंगे। रिटायरमेंट लेने के बाद होगा क्या, यहाँ पर वर्कर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज वर्कर की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो इसका मतलब वहाँ पर वेजेस का मात्रा भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वर्कर्स को फुलफिल कर दिया जाए, वर्कर जल्दी से वहाँ पर आ जाए।
बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर दिमाग लगाएगी, ठीक है, अगर वेजेस ही बढ़ाने हैं तो उनको ये फर्स्ट वर्ल्ड में ही कंपनी क्यों रखनी है, राइट? तो वो करेंगे क्या, वेजेस नहीं बढ़ाएंगे, वो वहाँ से अपना प्लांट उठा देंगे और इंडिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, ऐसे कहीं पर भी जाके वो अपने वो प्लांट को सेटअप कर देंगे, राइट? सो कंपनी पुट आउट करेंगे ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से, और पुट आउट करेंगे इंडिया में, चाइना में या थाईलैंड में। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया में ही आएगा कि चाइना में आएगा कि थाईलैंड में आएगा, ये डिपेंड करता है, राइट? ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर ईज़ ऑफ बिजनेस क्या है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वहाँ पर जो वर्कर्स मेरे को मिलेंगे वो कितने स्किल्ड है, राइट? सो उसमें से ही एक पैरामीटर है स्किल्ड वर्कर। सो यहाँ पर इंडिया को स्टैंड लेना है कि जितने भी वर्कर्स हमारे पास एग्रीकल्चर में एक्स्ट्रा पढ़ रहे, कहीं पर भी एक्स्ट्रा पढ़ रहे, उन एम्प्लॉयज़ को स्किल प्रोवाइड करना है। तो इंडिया को स्किल प्रोड्यूस यहाँ पर करना पड़ेगा, राइट? सो अगर हम देखेंगे कि इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है, थाईलैंड कितना करता है, चाइना कितना करता है, थाईलैंड को हम लिस्ट से हटा देंगे बिकॉज कंपेयर इंडिया और चाइना के बीच में अगर कंपेरिजन करेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ जाएगा, और मेन चॉइसिस तो चाइना और इंडिया ही है। देखो अगर स्किल की बातें करें कि इंडिया कितना स्किल प्रोड्यूस करता है, तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया का देखा जाए तो 10 से लेकर 15% जो यूथ होता है वो स्किल प्रोवाइडेड यूथ वहाँ से बाहर निकलता है। अगर चाइना की बात करें तो यहाँ पर 52 से लेकर 59% ऐसे लोग होते हैं जो जो स्किल प्रोवाइड होते हैं, राइट? इसके वजह से अगर आप देखोगे, अगर कोई भी कंपनी अगर इस पैरामीटर को चेक करेगी तो वो इंडिया के अंदर नहीं बल्कि चाइना के अंदर जाके अपने प्लांट को सेटअप कर देगी। अगर इंडिया कहीं पर भी ऐसा चाहता है कि वो जितने भी प्लांटेशन हो वो इंडिया के अंदर वो सारे के सारे प्लांटेशन हो, तो इंडिया को यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, इनका स्किल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? सो एंड ऑफ द डे क्या बात यहाँ पर बन के निकली, अगर आपका जो मेक इन इंडिया को बूस्ट करना चाहते हो या फिर मेक इन इंडिया यूजलेस है, अगर आपके पास कोई भी स्किल्ड वर्कर नहीं है तो कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर आएगी नहीं, मेक इन इंडिया रिजेक्ट हो जाएगी। यही चीज़ साल भर टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया एक एवरेज प्रोजेक्ट बनकर यहाँ पर रह गई है, राइट? बट अगर हम इसको बूस्ट करें तो ये बूस्ट हो सकती है। इसके लिए हमको अपने वर्कर्स को स्किल प्रोवाइड करना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे हम स्किल को कैसे स्किल काउंट जो इंडिया के अंदर है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर अभी स्किल काउंट देखें तो 10 से 15% तो वो कुछ भी नहीं है, तो ये स्किल काउंट को कैसे इंक्रीज करते हैं, ये फैक्टर इंडिया के अंदर अभी बात आ रही है। सो एक्चुअली देखिए तो इसको दो तरीके से हम काम कर सकते हैं, ठीक है? दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इसके पीछे काम कर रहे हैं जो ये चीज़ देखेगी कि किस तरीके से यहाँ पर वर्कर्स को स्किल प्रोवाइड की जा सकती है। उसमें दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये यूपीए गवर्नमेंट ने, मीन्स कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको शुरू करा था। नेक्स्ट नेक्स्ट है स्किल मिनिस्ट्री एंड स्किल मिनिस्ट्री जो मोदी गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रही है, राइट? सो दोनों को देख लेते हैं किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और कैसे ये फ़ायदा पहुंचाएगी कॉमन पब्लिक को, राइट? सबसे पहले NSDC का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब ये कॉरपोरेशन काम कर रही है सिंस 2009, राइट? 2009 से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। इसके अंदर स्किल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ कोर्सेज वगैरह करवाई जाती है। आगे जाके हम NSDC को अच्छे से स्टडी करेंगे और ये जो नया नरेंद्र मोदी ने स्किल मिनिस्ट्री बनाई है तो दोनों के बीच में हम कंपैरिजन भी देख लेंगे, ठीक है? सो 2009 से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल प्रोवाइड किया जा सके। यहाँ पर एक और रिमेम्बरिंग पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखनी है, वो है ऑनरशिप। यहाँ पर जो ऑनरशिप का फैक्ट है वो तो अलग तरीके से बनाया गया है। जो 49% ऑनरशिप है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, और अगर 51% पार्टनरशिप देखे तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर वेरी करता है। तो यहाँ पर जो टारगेट का सिनेरियो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इन्होंने डिसाइड किया है कि 2022 के आते हैं, इससे पहले याद रखो 2021 से लेकर 2024 के बीच बीच में
वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी और मेक इन इंडिया के अंदर कंपनीज यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। सो टारगेट इन्होंने रखा है कि 15 करोड़ इंडियन को स्किल प्रोवाइड कर देंगे टिल 2022, राइट, ताकि मेक इन इंडिया के लिए हमारे को मैन फोर्स की कमी यहाँ पर बिल्कुल ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम देखेंगे कि स्किल मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आता है और क्या करता है, तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आता है वो है स्किल मिनिस्ट्री, जो मोदी गवर्नमेंट के अंदर आता है। ये एक प्रकार का एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऊपर वाले पॉइंट में आप देखोगे तो आप यूथ को इम्प्रूव कर रहे हो कि थोड़े मोटे स्किल्स आपको करवा के यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेजर्स में लिए जा रहे हैं, ताकि आप ऐसे कोर्स तो करो जहाँ पर आपकी कमाई तो हो, बट वो कोर्स ऐसे होने चाहिए, वो बिजनेस ऐसे होने चाहिए कि चार और लोगों को आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सको। तो यहाँ पर एक स्टेप आगे का प्लानिंग हमारे को यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है कि ये दो तरीके से काम करती है, एक तो छोटे तरीके से जैसे NSDC काम कर रही है, उसका ही एक रिफॉर्म रूप है ये। NSDC के तरीके से यूथ को कुछ एक साल के अंदर कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करी जाती है, जिसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म, राइट। तो ट्रेनिंग यहाँ पर शॉर्ट टर्म भी प्रोवाइड करी जाती है, लॉन्ग टर्म भी प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दो तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ये आपने याद रखना है। सो जनरली ये जो सारे कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ये या तो वोकेशनल कोर्सेज होंगे या तो टेक्निकल कोर्सेज होंगे, राइट है। इस तरीके से आप लोगों के स्किल को यहाँ पर एनहेंस करने की कोशिश की जाएगी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। सो या अभी तक हमने क्या चीज़ पढ़ा कि स्किलिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा। सो यहाँ पर जो भी फॉर्मेशन यूनियन गवर्नमेंट की है, उस फॉर्मेशन के अंदर तो अगर हम टॉप में देखें तो टॉप में तो एक स्किल इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होगी, राइट। उसी के नीचे तीन कंपोनेंट और जो कंपोनेंट है वो काम करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये काम करेगी स्किल इंडिया के अंदर। उसके ही नीचे अगर हम देखेंगे माइनॉरिटी के लिए जितने भी स्कीम्स वगैरह चलाए जाएंगे वो सारे भी चलाए जाएंगे स्किल इंडिया के अंदर। पूरे सर के ऊपर कौन बैठा है? सर के ऊपर बैठा है स्किल इंडिया, उसके बाद चला है पीएम KVY, मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दूसरा दीनदयाल योजना, और तीसरा माइनॉरिटी के लिए जितने भी स्कीम आप लोग चलाओगे वो सारे स्कीम भी स्किल इंडिया के अंडर ही आएंगे, राइट। यहां तक तो हमने पढ़ लिया कि ये सारी चीजें क्या है। ये स्किल इंडिया है क्या? अगर हम इसको देखेंगे कि 2014 के अंदर ये जो स्किल इंडिया के बारे में बात करी गई थी, ये थी क्या, राइट। और इसको कंपैरिजन करेंगे नया लेटेस्ट जो 2017-18 के अंदर में नरेंद्र मोदी ने निकाला, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या था। इसको हम ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, बिकॉज वीडियो मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी हो गई है। दैट्स इट फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल।